हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो आप आराम से घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, हम लोग आज करने वाले हैं इस फेवी ग्लू की मदद से इस बोरो प्लस के साथ एक्सपेरिमेंट, जिससे हमारा स्लाइम तैयार होगा। तो देखना चाहते हैं कि क्या हमारा स्लाइम बनेगा या नहीं बनेगा, और इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, तो ईजिली आप भी इसको घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमको करना ये है कि हमने ये पाँच वाली काफ़ी सारी पाँच छः बोरो प्लस ली हैं, और इसको हम इस बर्तन के अंदर डालेंगे। ये सबसे आसान तरीका है। ऊपर कर, तो ये हमने काफी सारी यहाँ पे बोरो प्लस निकाल ली है, जितनी हमको जरूरत थी। वैसे तो काफ़ी तरीकों से स्लाइम बनाया जा सकता है, लेकिन ये मुझे सबसे आसान और सस्ता तरीका लगा, जिसको आप भी अपने घर पे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको बस ऐसे बोरो प्लस लेनी है, और उसके साथ मैं मिक्स करूँगा फेवी गम, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। तो ये हमारी बोरो प्लस, देखते हैं कि इसका क्या होता है, बनता भी है या नहीं बनता है, और नहीं बनता है तो क्या बनता है। तो इसमें सिंपली हमने एक मिलाई है फिलहाल, तो पूरी की पूरी। और अब हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा बना है जो कि हमारे हाथों में चिपक रहा है। ये कुछ बना तो है, पर पता नहीं क्या बना है। ये देखिए, ये हमारा स्लाइम तैयार हो चुका है, और ये हमारी पूरी की पूरी बाल्टी से खाली हो चुकी है बर्तन। ये देखिए, ये मेरे हाथों में कुछ इस तरीके से चिपक चुका है। देख सकते हैं हमारे पास ये हमारा स्लाइम रेडी है, और ये कुछ ऐसा बना है। ये देखिए,
जैसा ऐसे होना चाहिए, ताकि ना ये लिक्विड में है और ना ये सॉलिड में है। ये पानी की तरह ऐसे बिल्कुल लिक्विड की तरह भी दिख रहा है, और अगर इसे तोड़ोगे तो ये टूट भी जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसा आप बिल्कुल ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि ये आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं केवल 10 रुपये की मदद से।